पंकज त्रिपाठी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर बन रही बायोपिक में नजर आने वाले हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, भारत जमीन का टुकड़ा ही नहीं एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये पंक्तियां लिखने वाले महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका मुझे बड़े पर्दे पर साकार करने का अवसर मिल रहा है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। #अटल जल्द ही। इस फिल्म का टाइटल है मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। अटल फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं संदीप सिंह और विनोद भानुशाली। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA गवर्नमेंट को लीड किया है फ्रॉम 1998 टू 2004, वो बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने 3 बार एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को सर्व किया है। He was one of the most prominent leader and also the founder member of Bharatiya Janata Party. Atal Bihari Vajpayee ji ki death 16 August 2018 ko AIMS hospital mein hui thi. Unko Bharat Ratna Govind Ballabh Pant jaise award se nawaza gaya tha. Isi ke chalte ab unki life ke upar ye biopic banai ja rahi hai. Actor Pankaj Tripathi is film ke alawa Oh My God Part 2 mein bhi Akshay Kumar aur Yami Gautam ke saath nazar aayenge. अब बस इंतजार है तो इस फिल्म के रिलीज होने का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑन एयर भारत।